अर्जुन राडावत हत्यारा है, अर्जुन राडावत हत्यारा है, अर्जुन राडावत हत्यारा है, अर्जुन को फांसी दो, अर्जुन राडावत हत्यारा है। यह है एसीपी अर्जुन रणावत, जिसने 1 नवंबर की रात मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुसकर निहायत ही बेरहमी से उप मुख्यमंत्री बद्रीनाथ त्रिवेदी, मुख्यमंत्री के पुत्र मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर यशवंत देश पांडे के बेटे चंद्रकांत देश पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर अवस्थी, एडवोकेट कुलकर्णी, सत्ताधारी दल के 6 MLA और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहित कुल मिलाकर 18 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। योर ऑनर, ये कानून का रक्षक नहीं भक्षक है, भक्षक। इस सामूहिक हत्याकांड से इसने न केवल सरकार या पुलिस बल्कि समूची मानवता को कलंकित किया है। ये मौका वारदात पर खींची कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर। योर ऑनर, इस भीषण हत्याकांड की तफ्तीश और इसके पीछे छिपे हुए षड्यंत्र का पता लगाने के लिए पुलिस इस आरोपी को 15 दिनों के रिमांड पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुन राणावत, तुम्हें इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है? नहीं। क्या तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। क्या तुम चाहोगे कि अदालत तुम्हारे लिए कोई वकील नियुक्त करे? नहीं। सरकार ने तुम्हारे ऊपर 18 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है और पूछताछ के लिए 15 दिनों का रिमांड मांगा है। इस दौरान तुम्हें कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हाँ है। वो क्या? मौत। आरोपी अर्जुन राणावत को 15 दिनों की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में सौंपा जाता है। अपने आप को मानसिक रूप से 100% संतुलित बताते हुए राणावत ने कहा कि उसने पूरे होशवास में ये नरसंहार किया है। जब जज ने उससे अंतिम बार पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है, तो उसने वही जवाब दिया, मौत। वंदना सजनानी, आज तक, मुंबई।
यशवंतेश पांडे, ये चार्जशीट तैयार की है तूने? हैं? ये सिर्फ हत्यारा? वो सिर्फ हत्यारा नहीं है, राक्षस है, राक्षस। हाँ, ये देख, मुझसे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दामाद छीन लिया, मेरी बहू, मेरी बेटी की मांग के सिंदूर मिटा डाला। अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो, उसका गम नहीं है तुझे? अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला कोई बाकी नहीं छोड़ा उसने, हमारा वंश नाश कर डाला, वंश नाश। सुनो त्यागी जी, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, देशद्रोह और गद्दारी तक जितने भी जुर्म आपकी कानून की किताबों में लिखे हैं ना, सबके सब उस हरामी के मत्थे मर दीजिए, सारी की सारी धाराएं ठोक दीजिए उस पर। एक्सक्यूज मी सर, मैं राणावत को पिछले 13 साल से जानता हूं, वो हत्यारा जरूर है मगर वो देशद्रोही या भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या कहा तूने? जब हमने कह दिया कि वो देशद्रोही है तो वो है, हमारा कहा कानून है और हम इस प्रदेश की अदालत हैं। अगर किसी भी अफसर की आंखों में हमारे बेटे के हत्यारे के लिए प्यार या जुबान पर हमदर्दी नजर आई तो हम उसकी आंख, कान, जुबान कटवा के इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठवा दूंगा। समझ गए तुम लोग? इन कागजात पे दस्तखत करो। अर्जुन राणावत, तूने मेरे इकलौते बेटे का कत्ल किया है, जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा। देश पांडे जी, इसने इन कागजात पे दस्तखत नहीं किए बल्कि अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दी है। आइए। अदालत में तूने शस्त्र क्यों डाल दिए? तू बताता क्यों नहीं दुनिया को कि तूने नरसंहार क्यों किया है? तू अपने लिए मौत क्यों मांग रहा है बेटे? क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूं। मैं इस शरीर, इस जन्म से मुक्ति चाहता हूं। आज के बाद आप और राखी मुझे यहां मिलने मत आना, क्योंकि हिंदू धर्म में मां बहन शमशान नहीं जाया करती। चलता हूं मां, इस जन्म में इतना ही साथ था, मेरा मातम मत बनाना, मैं फिर लौट कर आऊंगा। भगवान से कहना
कि अगली बार मैं तेरा बेटा बनकर ही जन्म लूं।